पूरे 400। फिर आप साल से भी कमजोर रहेगी, साल ने भी सही अगोरे हैं टोटल। असा का अच्छा गाना क्यों? आपके अबू ने ईद दी थी ना आपको? अबू ने कितनी दी थी? 500 रुपए। हाँ जी यार, बड़ी बात है। और खाया पिया भी होगा? हाँ। और भी है, दिखाना। हाँ। 20 और ये 20 है। आज अभी शाम हो रही है, मतलब 24 घंटे कल वाले, 12 घंटे अभी वाले, 36 घंटों के बाद जो है ऐशा का बोर्ड है कि मुझे जो है अभी किया। ईदी अपने निकालो, किधर है ये साथ? तो बोतल ही नहीं पिला रहा है, पूछ नहीं रहा भाई से। ये यार भाई को बोतल पीनी है। पिला देंगे। कब को? कब? शाम को गर्मी अभी है, रात को ठंडा हो जाएगा मौसम। खर्ची हुई आपकी? 200। सारी 200 हुई है। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाई, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो। उसको लोग उम्मीद करते सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के फजल करम से भी ठीक है, घर वाले भी सब ठीक है, बेटे बाहर अल्लाह पाक उनके और तो फिर वह जब बात अल्लाह पाक उनको नहीं सले अल्लाह दे। तो माशाल्लाह से शाम के ब्लॉग जन हमारा स्टार्ट हो चुका है तरह नया हमारे साथ, तभी जरा हम रेडी भी हो गए हैं, मसला ड्रेस वगैरह चेंज कर दिया है क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। सुबह से सालन बनाने लगे, अभी जरा फ्री हुए हैं। तो माशाल्लाह सालन जो है ना हमारा शाम का रखा हुआ है, जेरे जो ना हमने हमारे लेने के जो सुबह बुनाई किए थे, ये भी हमारा सालन रखा है और ये भी हमारा पावे शावे रखे हैं, पावे वाला सालन। हाँ जी। हाँ, शाम को के दारा जाना अच्छा चल जाएगा, इसलिए वैसे। और ऐसा जो है वो बोटियां जो है जो उबाल रही थी ना जी। वो भी रखी हुई है माशाल्लाह। ये देखिए, ये जो है काफी देर से जो है ऐशा इसको चढ़ाया हुआ था, काफी जो है टाइम लगा इस पे, माशाल्लाह अभी जो है फुल गल गई है। तो ये हम हार इसलिए बनाएंगे, इसके हार क्योंकि हम जो चीज भी बनाएंगे थोड़ा सा फिर दवरी मोली में कूट कर फिर इसका जायका बनाएंगे, बहुत ही अच्छा लगता है हमें। बहुत ही वीआईपी बनता है ना इसका जायका। जब थोड़ी सुबह से मेहनत कर रही थी मैंने कहा थोड़ी सी मेहनत लगेगी। हाँ, हमने सिर्फ यही गोश्त रखा है अपने लिए, ये रखा हुआ है ना। हाँ, यही गोश्त रखा है बस, उसके बाद ज्यादा नहीं रखा जी। तो अभी जो है ऐशा का मूड बन रहा था कि रोटी बना ले, सालन जो है वो हमारा रखा हुआ है। हाँ। और इधर देखें सफाई जो है, अभी अभी पानी वगैरह लगाया, बहुत सारा जो है कचरा था। हाँ। और बहुत सारी हमारी चुल्ह भी वहाँ पे रखी हुई है जी। तो ऐशा मेरा दिल कर रहा है खाना वगैरह बना लो, फिर किसी से बोतल पीने चले। किसी से पीने चले? हाँ, मूड बनाएंगे किसके घर चले और बोतल पी के आए। अच्छा। हाँ जी, आगे कल गुजारा चलाना करे। हाँ जी। अच्छा, मैं आटा वगैरह गूंथती हूँ। हाँ। फिर जो ना चलते हैं। सही। जब तक तंदूर वगैरह जलेगा फिर हम आ जाएंगे। अच्छा, बोतल पी के। हाँ, चलो। हाँ। आटा वगैरह गूंथ लो पहले। हाँ। पहले काम अपना जी। क्योंकि आटा वगैरह गूंथा हुआ होगा तो रुपया तंदूर जला लेगी जल्दी जल्दी से, तो हम फिर किसी से चलते हैं बोतल पी के आते हैं। हाँ, मेरा दिल कर रहा है कि आज किसी से बोतल पिए। कैसे रुपया? सही बोल रहा हूँ ना, गोश्त खाया है, अभी जो है दिल कर रहा है आज बोतल पिए। वैसे आपने पी नहीं है क्योंकि दूसरा दिन है आज, हमने बोतल नहीं पी। अभी मुझे खर्ची दो ईद। अभी आपको खर्ची दो ईद के? उस टाइम तो आप ले नहीं रही थी, अभी ईद की खर्ची चाहिए आपको? मूड थी खर्ची की ना। आज अभी आपका मूड है खर्ची लेने का? अभी जरा दूसरा दिन है आज, आज अभी शाम हो रही है, मतलब 24 घंटे कल वाले, 12 घंटे अभी वाले, 36 घंटों के बाद जो है ऐशा का मूड है कि मुझे जो है अभी खर्ची चाहिए। चलो अभी जो खत्म हो गई है ऐशा खर्ची, क्योंकि मैं काम में मसरूफ थी है। हाँ। तो इसलिए मैंने खर्ची, आपने कहा तो है, मैंने कहा अभी मैं मसरूफ हूँ, मेरी खर्ची जो है ना आप रख लें, फिर आपने सारे खर्च लिए। हाँ, मैं तो खर्च दिए ना, मुझे मेरे काम है सारे, घर को संभालना होता है तो मैं जो है खरीद लेता हूँ। कैसे रुपया? सही कह रहा हूँ ना? सही कह। हाँ, पैसे आपको पता है टिकते हैं जेब में? नहीं टिकते, इसलिए रुपया सियानी बनी है, इसने कहा भाई मुझे पहले दिन ही ईदी दो मुझे जी। तो मैंने रुपया को और साथ को एक साथ इकट्ठे दे दिया था 250-250 रुपए। मुझे रोटी बता दे, मैं उतनी बनाऊंगी, ज्यादा ये बहुत है, जितना आटा आपने छलाई किया हुआ है ना ये बहुत है, क्योंकि हर बंदा देखना एक एक रोटी खाएगा। हाँ, गर्मी बहुत है, खाई नहीं जाती। हाँ, कल जो है इतना गर्मी नहीं थी जो आज इतना गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, क्योंकि गोश्त भी नहीं खाया जा रहा आज। कल जो है सुकून से गोश्त खाया था, आज
गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है। कल थोड़ी सी हवा चली होगी, आज नहीं, बिजली नहीं है। हाँ बिजली भी नहीं है। ओए होए होए होए, गर्मी काफी ज्यादा है ना सुबह से, बिजली इसलिए नहीं है। अच्छा आ जा रही है, झटके लग जा रही है, गर्मी है ना, गर्मी की वजह से जी। वो बंद कर रहे हैं, दे रहे हैं बंद कर रहे हैं, दे रहे हैं बंद कर रहे हैं, इसलिए। चलो सही है, आटा देना, अभी एक की खर्च मोक गई है। हाँ और क्या, आपको दूंगा, मजाक कर रहा था आपको। अच्छा। कितने चाहिए? ठीक हो गया। कितने चाहिए ना, 100 रुपए, 50 रुपए, 150, 180, 10 रुपए बस। वो तो अक्सा ही नहीं लेती आजकल। अक्सा कहती है मुझे 50 रुपए दो, मैं जो है वो सारी चीजें एक साथ ले आऊंगा सारा दिन के लिए। हाँ। फिर खाती रहती हूँ। तो इस अक्सा के 50 रुपए की कल चीज लिया था ना। हाँ। कल मैंने उसे 10 की चीज दे दिया था, फिर थोड़ी ज्यादा फेर दिया था, अभी 30 रुपए की चीज इसकी रखी हुई है। उसने जो ना सुबह से वो बोटियां खा रही है और खुश हो रही है बोटियां। हाँ। खा के ना उसने कहा मुझे चीज नहीं खानी। हाँ। चलो जैसा आपको अच्छा लगे। वाह वाह, ये देखें जी आटा भी गुदाई हो गया है, चनाई और गुदाई भी शुरू होने जा रहा है। पंखा बिल्कुल बंद खड़ा हुआ है, मैं वैसे पंखे के आगे बैठी हूँ, थोड़ी थोड़ी हवा, इसलिए आगे बैठी हूँ। बड़ी बात है यार ये। मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि पंखा जो है वो बंद है। हाँ। और जो है वो हवा भी दे रहा है, ये वैसे सोचने वाली बात है। पता है क्या सोचने वाली बात ऐसे है कि यहाँ पे बैठी हूँ ना दीवार के सामने। हाँ। यहाँ से हवा गुजरती है ना। हाँ। फिर हमें लगती है वहाँ पे अगर मैं बैठ जाऊँ, वहाँ पे ओढ़र है। रुकिए, आपको लग रही है हवा क्या वहाँ से? नहीं, ओढ़र खड़ी है ना। इधर आ जाओ पंखे के सामने, फिर देखना हवा लगती है नहीं लगती। किधर? इधर। हाँ अभी थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है पत्ते जो है हिलना शुरू हो गए हैं। ये हाँ हाँ चुन रहे हैं। हाँ, हाँ, है गौर से देखो ना, गौर से। हाँ, फिर वो निजर गए हैं। और बात सुने अब्बू वाली, ये अम्मी और अब्बू की ये पतली गली है ना। हाँ, ये वाली पतली गली जो यहाँ सामने है, जब भी गुजरे यहाँ से इतनी हवा हो या ना हो, यहाँ से जना हवा चलती रहती है। अच्छा। हाँ, अभी अम्मी बताई, वो जो पतली गली है ना आपकी अम्मी अब्बू वाली, वो हवा कैच करती है। हाँ, क्योंकि पतली गली है ना। हाँ। हमारी पतली गली है नहीं तो हमारी कहाँ से हवा चलेगी, इसलिए वो पतली गली में सारे ये हवा चली जाती है, यहाँ पे आती नहीं है। अच्छा। हाँ। तो अभी जो ना चलते हैं सर पतली गली में हवा लगवाते हैं। हाँ अभी तो। हाँ। काफी मुंह पे पसीना आ गया। हाँ। है आपका जो है मुंह भर गया है पसीने से। ओ साथ कैसे हो, ईद मुबारक, दूसरी ईद की खर्ची तो दो यार भाई को, बोतल पीनी है। पिला देंगे। कब कब? शाम को गर्मी अभी है, रात को ठंडा हो जाएगा मौसम फिर। ऐसे तो नहीं करो यार, शाम को पीने। शाम को। अच्छा अगर मैं रुकिया को बोलता ना। हाँ। कि रुकिया मुझे जो है बोतल पिला दो, रुकिया देखना कहती थी ये लो पैसे भाई, आप जल्दी जल्दी लेकर आ जाओ। कैसे? ये साद को मैंने कहा, मैंने गलती कर ली वैसे। ये 7 अप भी नहीं पिला रहा मुझे भाई को, पिला वो तो मैं आपको कोलगेट पिलाऊं। कोलगेट क्या कहें, बोतल है ना ही, कोल्ड ड्रिंक को होती है कोलगेट। तुम्हारे नंबर इसमें नाम आ गया है, कोलगेट ना ही आई हुई है बोतल, आपने देखी नहीं होगी इसलिए तो मैं बोल रही हूँ। सात को पता होगा, सात को आई हुई है कोलगेट? नहीं मैंने तो नहीं देखा। ये आपकी भाभी जो है ऐसे मालती रहती है ना। नहीं। ये मैंने मंगवाई है ना इसलिए। अच्छा। हाँ। अभी आपकी जेब में कितने पैसे हैं दिखाओ तो सही मुझे। मेरी जेब में आपने खर्चियां जो है माशाल्लाह काफी इकट्ठी की हुई है। किस किस से ली है? किस किस से ली है? किसी से नहीं ली, आपसे सिर्फ ली है। किस किस से खर्च ली है? आपसे ली थी, मामू से ली थी, मामू से ली थी। अच्छा से ली थी। 500 रुपए? हाँ जी यार, बड़ी बात है। और खाया पिया भी होगा। हाँ। और भी हैं, और भी हैं, दिखाना दिखाना। हाँ। 20 और ये 20, 40, 50, 60, 560 रुपए? हाँ जी, माशाल्लाह। और खाया पिया क्या था कल के दिन? ये रुकिया पता है आपको, कल जो है ये बाजार गया था
ये इसने कहा था, मैंने रात को अम्मी को बता रहा था छुप छुप के कि मैंने काफी चीजें खाई हैं, काफी चीजें खाई हैं। वो मैं पूछ अभी इसे पूछता हूँ क्या क्या खाया है इसने, बताएगा ना जी। हाँ बताओ भाई क्या क्या खाया था आपने। बोतल पी थी, जूस पिया था, दही वाले खाए थे। बहुत तेरी खैर, खट्टे दही वाले भी खा लिए थे। हाँ जी। कैसे आपको अच्छे लगते हैं आपके? बताओ। ये काल जो है गया हुआ था ना बाजार। हाँ, हमारे साथ जब गया था। नहीं हाँ। ये तुम आपके भाई और ये जो है साथ गए थे शाम को ना। अच्छा काल ईद वाले दिन। हाँ 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 हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाम को वापस आके बता रहा था। हाँ अच्छा। आप भी जो है रुकिया की ईदी गिनते हैं। रुकिया ईदी अपनी निकालो, किधर है ये साथ तो बोतल ही नहीं पिला रहा है, पूछ नहीं रहा भाई से। ये नहीं है, ये कैसे? वैसे ले नहीं रहा आपसे रुकिया, मैं ले नहीं रहा रुकिया जी। अरे संभाल मत रुकिया कर ताल आपको मिल रही थी ताल हो रुकिया। एक मिनट सीरियस हो जाओ, बिल्कुल सीरियस हो जाओ, फिर बताना। मैंने कहाँ रखी है? कहाँ पे कहाँ पे रखी हुई है? संदूक में। ताले वाली में जी, चाबी अम्मी के पास है। अबे यार फिर कैसे पता चलेगा अभी आपकी ईदी कितनी बनी है? कितनी ऐसे बता दो। हाँ ऐसे बता दो कितनी बनी है? 600 इकट्ठा कर लिया आपने, फिर तो साल से आप अच्छी रह गई ना। हाँ कैसे साथ ने फिर अभी 560 बचाए हुए हैं, आपने पूरे 600 रखे हुए हैं, 40 रुपए आपके ज्यादा हैं। मामू ने दिया था भाई, तुमने दिया था भाई, अहमद दिया था। अच्छा अहमद भाई ने दिया था आपको? जी। वाह जी वाह, फिर तो खरी रह गई हो आपको, अहमद भाई ने खर्ची दी थी। वाह जी वाह। अच्छा सारे आपने अब सारे इकट्ठे किए हैं आपने? नाराज थी आप अहमद भाई से? जी। क्यों नाराज थी? वो जा रहे थे शॉपिंग करने, मैं आई कि तुम्हारा रुकिया दे बोला बैठे। अच्छा मैं चला दू। अच्छा सही कह रही है कि कह रहा है कि जो है अहमद भाई आया था इधर बाहर, तो मैं जो है इधर से हाय किया है मैंने अहमद भाई को, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो गाड़ी लेकर चले गए थे। और वो जो है मैं जो है उससे नाराज थी। हाँ। तो इसलिए वो आया था मुझे मनाने के लिए, फिर मुझे ईदी भी दी थी जी। वो भाई ने बोला कि मैं जो ना जा रहा था, शीशे बंद थे, मैंने हाँ, नहीं देखा, आवाज नहीं आती। आवाज नहीं आती ना शीशे बंद में, तो इसलिए जो ना रुक के ना मुझे बुलाया, मुझे समझ नहीं आई शीशे बंद थे ना इसलिए। फिर सब्बा ने बताया है कि मुझे रुकिया आपसे नाराज है, आपको मुझे लगता है बुलाया था, तो इसलिए फिर वो कल आए थे यहाँ पे और आम भी लेके आए थे और रोटी भी थी, सालन भी था और ख़त्म शरीर दिलवाया था। किससे पता नहीं किस चीज़ का ख़त्म दिलवाया था उनने? अबू से, नाना से? और अपने अबू से ख़त्म दिलवा के सब के घर में बांटा है। अच्छा अच्छा अच्छा। देने आए थे फिर रुकिया को भी मना के गए। सही हाँ। फिर रुकिया मान गई जी। मैं तो चलो भाई ये कोई बात नहीं, कोई सही बात। सारे तो बड़े भाई। तो हमारा जो है ये रुकिया क्यों पैसे इकट्ठे कर रही है, इसका भी मैं आपको हल बताता हूँ। ये क्या किस लिए और क्यों इकट्ठे कर रही है? ये इसलिए कर रही है क्योंकि हमारे मेरे जो है कज़न हैं, उनकी जो है शादी है, तकरीबन 2-3 शादियाँ हैं। ये ईद आज ईद दूसरा दिन है, कल जो है एक मेहंदी है और 3-4-5 दिन तक फिर शादियां जो है वो स्टार्ट हैं। रुकिया फिर सफ़र है दूर का, तकरीबन 3-4 घंटे एक जो है बस पे लगेगा जाने में और बारात दूर जाएगी, तो इसलिए जो है ये रुकिया जो है वो पैसे इकट्ठे कर रही है कि मैं जब शादी पर जाऊंगी बस पर तो इंशाल्लाह फिर जो है वो खर्चे करूंगी। अभी जो है इधर भाई की जो है, अब भाई है ना इधर, तो इधर खर्चे, क्योंकि हम जो है नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा और मैं जो है नहीं जाएंगे, बाकी पूरी फैमिली जो है वो शादी पर जाएगी। अलीपुर कहाँ जुड़ सो? नहीं नहीं हाँ। इधर जो शादी है। अच्छा भावलपुर? हाँ नहीं हम नहीं जाएंगे, वहाँ पे रेत है, धक्के हैं, सारा कुछ, मौसम खराब है। हम यहीं पे चलेंगे, फंक्शन वगैरह देख के आएंगे, वीडियोस भी शेयर इंशाल्लाह करेंगे। हाँ तो बारात के साथ नहीं जाएंगे, बारात के साथ हम नहीं जाएंगे। वो जा रही है रुकिया, अम्मी,
साथ और अब्बू जान, क्योंकि फुफी फिर नाराज होगी, फुफी के बेटे की शादी है। हाँ फुफियान फिर दोनों एक साथ हैं, फिर दोनों नाराज होंगी। पानी पी लो ना दो तीन घूंट, मैंने बताया है फुफी को, उसको पता पानी पी लो ना दो तीन घूंट, पानी साथ ले आओ। फुफी को पता है हर मसले का। हाँ। तो उसने बोला आप यहीं पे तो आ जाना मेरे घर। हाँ, सफर पे नहीं जाना। हाँ शाम को हमारे घर में रहना, हम शादी करके दुल्हन दूल्हा ले आएंगे, आप हमारे घर में रहना। अच्छा। हाँ हमने कहा चलो सही है, वहीं देखेंगे, अगर वहीं रहना होगा तो वहीं रह लेंगे, वरना हाँ। हम शाम को अपने घर वापस आ जाएंगे। और रुकिया लोग जो है वो बस पे जाएंगे, साथ दुल्हन को लेकर आएंगे, अम्मी भी जाएगी। अम्मी अभी कहाँ चली गई है? किसी काम से चली गई है। अच्छा फातिमा भी आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? तबीयत आपकी कैसी है? ठीक है। फातिमा की तबीयत खराब लग रही है। हाँ मुँह देखे आज इसका लंबा लंबा लग रहा है, सूखा। हाँ फातिमा मुझे लगता है इसने कुर्बानी की जो है वो भाजी है ना वो नहीं खाई। नहीं खाई, खाई है। फिर क्यों आप कमजोर कमजोर से लग रही हो? आज आपका भाई जो है सबसे पूछ रहा है कि किस किस की किस कितना कितना खर्ची बनी है मेरी। हाँ आपकी कितनी खर्ची बनी है? मैंने गिनी नहीं। कहाँ है फिर? अम्मी के पास। वो फिर अम्मी को क्यों दे दिया? नहीं थी फातिमा की, सुबह तो मैं गई थी उस टाइम, फातिमा 100 रुपया लिया था और उसके बाद तो नहीं किसने दिया है, नहीं दिया। कितनी खर्ची थी वैसे आपको अंदाजा तो होगा? नहीं है अंदाजा, बिल्कुल अंदाजा नहीं है आपको? नहीं। वो अम्मी भी आ गई है, चले अंदाजा नहीं है आपको? चलो छोड़े आपको अंदाजा नहीं है, अम्मी भी आ गई है, थक ट्रोट के पता नहीं कहाँ गई थी, कहीं घूमने फिरने गई थी मुझे लगता है। हाँ जी किधर गई थी? अपने भाई के घर। कौन सा भाई? अफजल के घर गई थी, मौलवी के पास। मौलवी क्या बना रहा है आज? खर्ची लेने तो नहीं गई थी? हाँ आपको मिली थी खर्ची? कितनी खर्ची हुई आपकी? 200। सारी 200 हुई है? क्यों? मैंने भी दिया था ना आपको साथ को, देता सी, रुपया को देता सी। अच्छा 100-100 लाख रुपए मेरी खर्ची। मैं भी जाता हूँ ऐसा, मैं आपके अबू से चलता हूँ अभी, खर्ची लेता हूँ। सबको दी है मुझे, वरना मैं कहूंगा भी बोतल पिलाओ। क्योंकि आज मैंने बोतल पीनी है किसी से ना किसी से। हाँ। मेरा आज दिल कर रहा है कि किसी से 7-Up पीऊं। अपने अब्बू को 7-Up पिला। 7-Up तो पिलाओ। पैसे हैं जेब में? कुछ भी नहीं है। किधर गए पैसे? पैसे ओ, 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 ओ पैसे कहाँ? पैसे किधर गए? ओ जेब खाली है। अम्मी आपकी ईदी कितनी बनी थी टोटल? मैंने भी दिया था, मामू ने दिया था, एक 400 पूरे 400। फिर आप साल से भी कमजोर रहेगी, साद ने भी सही अगोड़े हैं इस दफा। 1000 साद ने अगोड़े हैं, 600 रुकिया ने अगोड़े हैं और 400 आपने अगोड़े हैं। ऐशा ने कितने अगोड़े हैं टोटल? क्यों आपके अबू ने ईदी दी थी ना आपको? अबू ने कितनी दी थी? 500। एक बंदे ने आपको 500 दिया है? आपके अब्बू ने आपको एक बंदे ने मतलब ऐसे गिन रहा हूँ ना। अच्छा ईद भी कम थी और बड़ी ईद पे 1000 रुपया था। ओए 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 अक्सा क्या हुआ? ईद पे 500 था। अच्छा हाँ। अच्छा ये ईद कमजोरी में गुजरी है। हाँ। अभी तो आप मुझसे भी कह रही थी ना लेनी है, फिर आपको 500 बहुत है ऐसा, मुझे तो छोड़ दो प्लीज। अंशा मैं अक्सा को दूंगा आपकी ईदी, अक्सा को दूंगा। अक्सा ईदी चाहिए आपको? उसको मैंने कहा चीज ले आती हूँ, फिर इसलिए झगड़ा करेगा। ये तुम्हारे दुपट्टा शुपट्टा सारा कर, चीज ले आओ। ये तुम्हारा खींचे की देखना, दुपट्टा शुपट्टा हर चीज ले आओ आपके लिए। पैसे चप्पल भी इसने पहनी हुई है और आज जो है इसने पैंट शर्ट पहन लिया क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा था, कपड़े जो है वो नहीं पहना है हमने। अम्मा क्या हुआ अम्मा? ओ माशाल्लाह। आ जाओ जी आ जाओ। हाय 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 हाय।
क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है, सब ठीक है? क्या हाल है सिस्टर? ठीक है, तबीयत ठीक है? वालेकुम सलाम, ईद मुबारक आपको, खैर मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक सलामत रखे। आप पहुंच गए, बैठे जी, बैठे बैठे, तशरीफ रखे, बैठे जी। पता नहीं आज बिजली को क्या है, काफी टाइम हो गया। पता था आज मैं ना वॉशिंग मशीन लगाई आपने जब भी हम कपड़े धुलाई करते हैं ना मशीन लगाते हैं। ये होते हैं भाई, देखो भाई की खिदमत करने में जो है तुले हुए हैं। इसका पांव ऐसे रखो, पांव ऐसे सीधा करो, सीधा, हाँ इसको घुमा लो। कौन सी बोतल चलेगी? हाँ बोतल चलेगी जालिम वाली। जालिम वाली तो काली होती है, जालिम वाली और जुल्म वाली, वो तो काली होती है जुल्म वाली। फिर आप भी काला हो जाएंगे बोतल से। रुकिया वो दरवाजा बंद कर दो। हम पीली नहीं पीते हैं, चिट्टी नहीं पीते हैं, हम रत्ती नहीं पीते हैं। पैसे निकालो और बोतल ले जाओ, काली वाली जंबो, ठीक है? खुले नहीं लो, बंदे लो 500। हाँ नहीं नहीं, बोतल पी लेते हैं, मेरा भी वैसे मूड हो रहा था अभी। हाँ सही क्या है ना, मुखलिस भाई ने कहा बोतल पीनी है, हमें पता है गोश वगैरह सब जो है रजे हुए, अभी सिर्फ बोतल की तलब है बस। काली और सेवन अप, काली 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 ना, सेवन अप। मैं तो जो भी पी ले, सेवन अप ले आओ, सही है ये काली। अल्कोहल वाली है, बोतल में शराब डालते हैं अल्कोहल। वैसे भी ये जो कोक कंपनी है ये गैर मुल्की ब्रांड है, इस पे ना हम मुसलमानों को एतराज है। मेरी बहन पढ़ी लिखी है ना, हम जब भी जाए कोई कोक वाली बोतल होता है वो गुस्से हो जाते हैं, वो कहते हैं हमें बैठ जाओ रुकिया कहीं से, वो उस साइड पे जा, गिलास ले आओ, शीशे वाले, शीशे वाला गिलास ले आओ जल्दी जल्दी। वहाँ पे वहाँ पे जो शराब है ना वो उसका और हिसाब है, शहद की नहरें, दूध की नहरें, भूरे हैं वो। खैर हम, हमें तो नहीं मिलेंगी, जन्नत में जाएंगे तो भूरे मिलेंगे। बात तो ये है ना, जब हम इंसान नहीं कह सकते कि हम हाजी साहब हैं, हम जनती हैं, हम दोस्त की हैं, हमें कुछ पता नहीं है। हमारे अमाल जो है ना, एक एक जो है ना हमारे अमाल, अल्लाह पाक जो है छोटी सी नेकी पे राजी हो जाए, बेशक बड़े बड़े गुनाह माफ कर दे, छोटे से गुनाह पे पकड़ ले, उसकी मर्जी, उसकी मर्जी है, हम उसके उम्मती हैं। बिल्कुल अल्लाह पाक खैर, माशाल्लाह लाइट नहीं है, गर्मी बहुत है, माशाल्लाह लाइट नहीं है, माशाल्लाह आ जाए लाइट, ऐसे ना वो क्यों पंखा चल रहा है, आ गई है तो फिर चलाओ यार, गर्मी से मर रहे हैं हम लोग, कैसे हमारे साथ ही पहला धोखा, दो प्रैंक कर दिया आपके साथ, प्रैंक, इतनी बड़ा प्रैंक, हम बेहोश होने वाले थे। यो शुक्र है मैंने उन्हें दीद पाएगी। वैसे पता है लाइट सुबह से आ जा रही है, वो स्विच हिलाओ, खराब नहीं है ऐसा, स्विच हिलाओ। हाँ बहाने ना बढ़ा था कवा कवा, फिर प्रैंक नहीं बनाओ, वो चार्जर वाले स्विच में लगाओ, चार्जर वाले स्विच में, चार्जर निकाल लो उसमें लगाओ, चलो रुको मैं आ रहा हूँ। साथ को मैंने जल्दी जल्दी भेजा, मैंने कहा जाओ बोतल लेकर आ जाओ, और हम जो है किसी और से पीने वाले थे लेकिन वो हमारी जेब से निकल गया। क्योंकि आप जना मैं कह रहा था कि किसी से आज पीते हैं बोतल, लेकिन
जो अल्लाह पाक को मंजूर था वही होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जेब से एक तो ईद किसी ने नहीं दिया, दूसरा बोतल भी मैं पिलाऊं यार। आप तो ऐशा को ले दिया ना, ऐशा की दुआ लगी है बोतल पिलाने की। यही बात दो है ना, क्या करूं ऐशा, मैं ना क्या करूं, क्यों। माशाल्लाह जी बोतल आ गई है, साथ को जल्दी जल्दी गया बोतल ले आया है, अभी जो है मेहमानों को पिलाते हैं बोतल। मेहमान भी माशाल्लाह अल्लाह पाक की रहमत होती है, मैं इसी चीज से जो है वो घबराता बिल्कुल नहीं हूँ, पता है आपको, बिल्कुल नहीं घबराता, ये अल्लाह पाक की रहमत होती है। मेहमान जो है हमें बहुत खुशी होती है जब मेहमान है जी। हमारा जो है बहुत दिल खुश होता है, तो आपको पता है। तो अभी जो है बोतलें जो है वो ऐशा ने डाल ली है, पहले चार गिलास पहने हैं, वो चार गिलास जो है पहले पहले दे दें, उसके बाद जो है फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइट भी आ गई है, अभी मजा आएगा बोतल पीने का, देखना। ये छोटा गिलास है, छोटा गिलास है, उसको पता चल गया था ना, अच्छा आ जाओ बोतल पी लो, हाँ उठा लो बोतल, ये चिट्टी है, नहीं नहीं मुझे पता है ना यार, मैं आपसे झूठ बोलूंगा, पानी है, रहने दो, आ जाओ आप, पानी नहीं पियोगे, बोतल पियो, आप चेक करके पता चल जाएगा बोतल है या पानी है, चेक करते हैं। मेहमान जो है वो चले गए हैं और ऐशा ने कहा कि चलते हैं गूहे वगैरह उठाते हैं और तंदूर वगैरह को जो है जलाते हैं और रोटी वगैरह जो है वो बनाते हैं। और इधर देखें मौसम जो है, शाम का टाइम है, मौसम बिल्कुल गर्म हो चुका है, और इधर से हमारे रखे हुए गूहे, और आज हमने बकरा जो है वहाँ जो चारपाई पड़ी है वहाँ पे कुर्बान किया था। ऐशा अच्छा। आप तो घर पे थे ना, हमने जो है चारपाई के ऊपर क्या, नहीं वो जो दरख्त खड़ा हुआ ना वहाँ पे लटकाया था, जब जिब्बा हो गया था, फिर जब लटकाते हैं ना ऊपर, जिब्बा हो जाता है बिल्कुल, फिर ऊपर लटका के फिर उसकी खाल वगैरह छीलते हैं ना। सुबह से ऐशा को बताया कि हमारा बकरा कुर्बान हो रहा है, इसको जब भी मैं बताता हूँ तो इसका जो है जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, डर लगता है मुझे, रोने नहीं लग जाना इधर हो, नहीं। अभी जो है ये उठा रही है गूहे यहाँ से, तो वीडियो भी हमारी काफी लंबी हो चुकी है, इस वीडियो का यहाँ पे करते हैं एंड, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दे हमें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।